दोस्तों, एक बार शनिदेव ने अज्ञातवास के दौरान पांडवों की परीक्षा लेने की सोची। शनिदेव ने जंगल में एक महल का निर्माण किया जिसमें चार कोने थे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अचानक भीम, सहदेव, नकुल, अर्जुन की नजर महल पर पड़ी और वह आकर्षित हो गए। चारों भाई युधिष्ठिर की याज्ञा लेकर महल देखने गए। चारों भाई महल के द्वार पर पहुंचे, वहां शनिदेव दरबान के रूप में खड़े थे। तब चारों भाइयों ने कहा, हमें महल देखना है। इस पर शनिदेव ने कहा, इस महल की कुछ शर्तें हैं, जैसे कि पहली शर्त, महल में चार कोने हैं जिसमें से तुम सिर्फ एक ही कोना देख सकते हो। दूसरी शर्त, महल के अंदर जो कुछ भी देखोगे उसे विस्तार से समझाना होगा। तीसरी शर्त, अगर तुम नहीं बता पाए तो तुम्हें बंदी बना लिया जाएगा। चारों भाइयों ने शर्त को स्वीकार करते हुए महल में अलग अलग दिशा में प्रस्थान किया। भीम पूर्व दिशा में गए, अर्जुन पश्चिम, नकुल उत्तर और सहदेव दक्षिण दिशा में गए। चारों भाई अंदर का नजारा देखकर वापस आते हैं। तब दरबान बने शनिदेव उससे पूछते हैं, बताओ तुमने अंदर क्या देखा। भीम, सहदेव, नकुल और अर्जुन उत्तर देने में असफल रहते हैं, इसीलिए शर्त के अनुसार चारों भाइयों को बंदी बनना पड़ता है। चारों भाई बहुत देर से नहीं आए, तब युधिष्ठिर को चिंता हुई और वह भी द्रौपदी सहित महल में गए। युधिष्ठिर ने वहां पहुंचकर दरबान बने शनिदेव से उनके भाइयों के लिए पूछा। दरबान बने शनिदेव ने बताया, वह शर्त के अनुसार बंदी है, अगर आप सही उत्तर दे सकते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। युधिष्ठिर ने शर्त को स्वीकार किया और बंदी बने भीम से पूछा, आपने पूर्व दिशा में क्या देखा। तब भीम ने कहा, भैया मैंने पूर्व दिशा में बहुत ही सुंदर पशु पक्षी, फलों और फूलों से भरे पेड़ आदि देखे, जो कि आज तक पहले कभी नहीं देखे थे। वो तो समझ में आता है, किंतु आगे बहुत ही अजीब नजारा देखा। भीम ने कहा, वहाँ तीन कुएं थे जिसमें एक कुआं बड़ा और दो छोटे थे। जब बड़े कुएं का पानी उछलता था तो बराबर के दोनों कुएं भर जाते थे, लेकिन जब दोनों छोटे कुएं में पानी उछलता था तो बड़े कुएं का पानी आधा ही रह जाता था। ये समझ में नहीं आया। युधिष्ठिर ने कहा, ये सब कलयुग में होने वाला है। एक बाप दो बेटों का पेट भर देगा, परंतु दो बेटे मिलकर भी एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। जैसे ही युधिष्ठिर ने जवाब दिया, भीम को छोड़ दिया गया। उसके बाद युधिष्ठिर ने बंदी बने अर्जुन से पूछा। अर्जुन ने कहा, मैंने पश्चिम की ओर एक खेत में एक तरफ मक्के की और दूसरी तरफ बाजरे की फसल देखी, लेकिन अजीब तो यह था कि मक्के के पौधे से बाजरे का फल निकल रहा था और बाजरे के पौधे से मक्के का। युधिष्ठिर ने कहा, यह भी कलयुग में होने वाला है। इसका अर्थ है वंश परिवर्तन, अर्थात ब्राह्मण के घर शूद्र की लड़की और शूद्र के घर ब्राह्मण की लड़की की शादी होगी। अर्जुन के सवाल का जवाब युधिष्ठिर से सुन उसे भी छोड़ दिया जाता है। अब युधिष्ठिर ने बंदी बने नकुल से पूछा। नकुल ने कहा, भैया मैंने उत्तर दिशा की ओर देखा कि बहुत सारे सफेद गायें अपनी बच्चियों के साथ वहां घूम रही थी, लेकिन जब गायों को भूख लगती थी तो वो अपनी बच्चियों का दूध पी रही थी, जो कि बहुत ही अजीब था। तब युधिष्ठिर ने कहा, कलयुग में माताएं बेटी के घर में रहकर उन्हीं का अन्न खाएगी, क्योंकि बेटे माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे और उन्हें त्याग देंगे। जैसे ही युधिष्ठिर ने जवाब दिया, नकुल को भी छोड़ दिया गया। अब अंत में युधिष्ठिर ने सहदेव से पूछा। सहदेव ने कहा, भैया मैंने एक बड़ी सोने की शिला देखी जो चांदी के एक सिक्के पर टिकी हुई थी, जो कि डगमग हिल रही थी फिर भी गिरती नहीं थी। तब युधिष्ठिर ने कहा, कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, फिर भी धर्म जिंदा रहेगा, खत्म नहीं होगा। युधिष्ठिर का जवाब सुनकर सहदेव को भी छोड़ दिया जाता है। ये सारी बात सुनकर युधिष्ठिर ने दरबान को प्रणाम किया और कहा, हे महात्मन, मैं जान गया हूँ कि आप दरबान नहीं हो, कृपया आप हमें आपका वास्तविक परिचय दी। तत्पश्चात शनिदेव अपने असल स्वरूप में प्रकट हुए और युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुए कहा कि युधिष्ठिर, मैं तुम पांचों भाइयों की परीक्षा लेने आया था। शनिदेव ने कहा, युधिष्ठिर तुमने सही उत्तर देते हुए भविष्य के समाज का रेखाचित्र भी प्रस्तुत कर दिया है कि कलयुग में जीव का स्वभाव कैसा होगा। तत्पश्चात शनिदेव ने युधिष्ठिर से वरदान मांगने को कहा। युधिष्ठिर ने शनिदेव से कहा कि प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो मुझे ये वरदान दीजिए कि कलयुग में जो भी श्रीहरि की पूजा और भक्ति पूरे भाव से करेगा उसके घर में कभी भी कलिकाल का प्रवेश नहीं हो पाए। महाराज शनिदेव तटास्तु कहते हुए अंतर्ध्यान हो गए। फिर पांचों पांडवों ने वन की ओर प्रस्थान कर दिया। दोस्तों, आज के इस कलयुग में ये सारी बातें सच साबित भी हो रही है। साथ ही साथ यह भी सच है कि जिस घर में नारायण की पूजा और भक्ति विद्यमान है वहां सदैव नारायण का वास होता है। दोस्तों, हमें भी इस कहानी के माध्यम से कुछ सीख लेकर अपने जीवन में आवश्यक बदलाव करना चाहिए।
और हरि नाम का जप करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में श्री हरि जरूर लिखें और ऐसे ही वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।